जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो आपके लिए रिजल्ट को निकल कर देखिए, मैं ऑफिशियल न्यूज दिखाऊंगा, इसमें कोई फेक वगैरह कुछ नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखना यार, मैं एक एक एकदम क्लियर कर दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पर वो गलती ऑफिशियल न्यूज पर ही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर दिखाया था, हिंदुस्तान पर मैंने दिखाया था, बट वो न्यूज गलत थी। बट ये क्योंकि वो न्यूज गलत क्यों थी वो भी बाद में वीडियो के अंत में बताऊँगा, और एक खुशखबरी भी मैं रिजल्ट से लेकर बाद में पूछूंगा, तो उसको आप सभी लोग जवाब देंगे और अंत तक मेरी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, उम्मीद करता हूं आपसे। तो देखिए, सबसे पहले यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे लिखा गया यूपी बोर्ड रिजल्ट 2020 दसवीं और बारहवीं परीक्षाओं के परिणाम इस समय होंगे घोषित, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी। तो दोस्तों, उप मुख्यमंत्री ने जानकारी दी है, डेट यहां पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। आज ही 8 तारीख को देखिए न्यूज आई थी सुबह, लेकिन मैं थोड़ा सा काम पे था इसलिए लेट वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे देखिए, यहां पे लिखा गया है नई दिल्ली, यहाँ पे देखिए लिखा गया नई दिल्ली ऑनलाइन डेस्क, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2020 बोर्ड परीक्षा के परिणाम जून के पहले सप्ताह में जारी किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, जून के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकते हैं। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने दी है। यह जानकारी दोस्तों उत्तर प्रदेश के दिनेश शर्मा ने दी है। डिप्टी सीएम ने कहा एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया, डिप्टी सीएम जो है हमारे, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल पर बताया इंटरव्यू देते हुए हाई स्कूल और दसवीं बारहवीं की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया कोरोना वायरस के देखते हुए लगाए गए लॉकडाउन के कारण रोक दिया गया था। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि समाप्त होते ही आसार सीट का मूल्यांकन फिर से शुरू कर दिया जाएगा, मतलब कि जैसे ही कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन हटता है तुरंत से कापियाँ स्टार्ट हो जाएंगी, सीट मूल्यांकन फिर से शुरू हो जाएगा और संभव है कि यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जून के 2020 पहले हफ्ते में ही घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये दोस्तों खबर थी। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरी खबर क्या लिखी गई है, दूसरी तरफ बोर्ड परीक्षा परिणामों को बिना उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के जारी किए जाने पर की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फर्जी खबर, खंडन बोर्ड के सचिव न्यूना श्रीवास्तव जी हैं जो उन्होंने कहा है, पूरी जानकारी दी है और कहा है कि यह पूरी तरह से आधारहीन है और इन उत्तर पुस्तिका 50 के तौला तो यहाँ पर देखिए आधारहीन है और उत्तर पुस्तिकाओं में मूल्यांकन की तिथियां लॉकडाउन के बाद निर्धारित की जाएंगी। मतलब अभी ये निर्धारित नहीं कि कापियां कब से चेक होंगी। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट तो आएगा और फर्स्ट वीक में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया, बता दें कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की पुस्तिकाओं का 16 मार्च से क्या हुआ था, आरंभ हुआ था, लेकिन लगभग 1.5 लाख अध्यापकों ने उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के लिए लगाए गए थे तो वहाँ पर देखिए रोक दिया गया था। लगभग 50 लाख लड़कों ने फॉर्म भरे थे। तो मेन खबर ये थी दोस्तों कि जो है आपका जो रिजल्ट है वह इंटरमीडिएट एंड अगर आप हाई स्कूल में 2020 में सम्मिलित हुए थे तो मैं आपको बता दूं आपके लिए ये खबर है, बेहतरीन खबर है कि ये जो जून के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा और कापियाँ भी चेक हो जाएंगी। वो जो मैंने वीडियो बनाई थी दोस्तों उसके लिए मैं आपको बता दूँ, वो भी ऑफिशियल न्यूज पर ही शो किया गया था। ये भी एक निर्णय था कि पहले का निर्णय यही था दोस्तों, पहले का निर्णय क्या था कि रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा क्योंकि कोरोना वायरस कंट्रोल नहीं हो रहा, उस पर सिर्फ पास लिख दिया जाएगा, इसके बाद नंबर की मार्किंग बाद में की जाएगी। ये था, यही मैंने बताया था पिछली वीडियो पर। तो दोस्तों उस वीडियो में मैंने कुछ फेक नहीं बताया ना इस वीडियो में जो मेंशन किया गया है, जो जानकारी होती है मैं देता हूं, और आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो राय है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मैं आपको बता दूं यहां पर 2021 में अगर आप प्रिपेयरिंग करना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो हमारा जो बैच है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नोट्स मिलेंगी। मैं आपको बता दूं वो फ्री रहेंगी नोट्स, एक भी पैसा नहीं लगेगा, सभी विषय के नोट्स फ्री रहेंगे। इसके बाद आपको क्लासेस रेगुलर वे में और लाइव क्लास के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें से आपका जो कोर्स होगा दिसंबर पर पूरा दिसंबर तक पूरा एंड कर दिया जाएगा, फिर इसके बाद अनसाल पेपर चलाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे सेकेंड चैनल की लिंक भी दी गई है, उसे भी जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरी वॉच करने के लिए, क्योंकि आपके पास जानकारी अच्छे से पहुँचा पाया।